गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार पटेल एक बार फिर आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा यूज ऑफ इट, जिसमें हम इट आपको आज यूज ऑफ इट के विषय में बताएंगे। पिछला वीडियो हमारा यूज ऑफ देयर का था, तो चलिए फ्रेंड वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम नोट में देखेंगे, कह रहा है जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता वहाँ पर इट का प्रयोग निष्क्रिय कर्ता यानी नेचुरल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और देयर का प्रयोग भी वहीं पर होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। ऐसे वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं होता, सामान्यतः जब मौसम, समय, दिन, महीना, ऋतु आदि का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर इट का प्रयोग होगा। जैसे कह रहा है वहाँ कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग में यही अंतर है कि ज़्यादातर इट का प्रयोग मौसम, दिन, समय, महीना, ऋतु आदि का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम सूत्र को देखते हैं। कह रहा है इट प्लस वर्ब, जिसमें इज एम आर वाज वर विल शैल आदि रहेगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट। पहला कह रहा है उदाहरण में आज बहुत गर्मी है, तो हम करेंगे इट से स्टार्टिंग। इट इज वेरी या सो हॉट टुडे हो गया। अगला वाक्य कह रहा है बारिश हो रही है। इट इज आर ए आई एन आई एन जी, इट इज रेनिंग यानी वर्षा हो रही है। अगला कह रहा है आज मंगलवार है। इट इज ट्यूजडे टुडे हो गया। अगला वाक्य कह रहा है 2 बज रहे हैं। इट इज 2 o'clock हो गया। जनवरी का महीना था, तो इट अब था कह रहा तो वाज होगा, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। अगला कह रहा सुबह के 6 बज रहे हैं, तो हम कहेंगे इट इज 6 o'clock एट मॉर्निंग यानी कि सुबह। अगला कह रहा अभी वर्षा नहीं हो रही है, तो हम करेंगे इट इज नॉट रेनिंग नाउ, नाउ मतलब अभी। अगला कह रहा आज बहुत ठंड है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, टुडे मीन्स आज। अगला वाक्य हमारा कह रहा है कि क्या आज रात को वर्षा होगी। विल इट रेन टुडे या टू नाइट या नाई जी एच टी आज रात्रि क्वेश्चन मार्क। अगला कह रहा है क्या रात को वर्षा होती है, तो हम करेंगे डज इट रेन टू नाइट। यहाँ पर डज इसलिए किया गया क्योंकि इट को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। अगला कह रहा है बसंत का महीना होगा। इट विल बी इट विल मंथ ऑफ बसंत स्प्रिंग एस पी आर आई एन जी। अगला कह रहा है आज इतना कोहरा क्यों है। वाई वाई इज इट सो फॉग एफ ओ जी। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चन। एक्सरसाइज में हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं आप लोग इसे सॉल्व के लिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।